अब देखिए सारे किरदारों को समझ लीजिए, जो पहले गए पकड़े गए मिन्हाज और मसीरुद्दीन, उनसे पूछताछ हुई, उनसे पूछताछ के बाद जो लीड मिली, उनके कुछ और सहयोगी दबोचे गए, चार सहयोगी दबोचे गए हैं, दो लखनऊ से, दो कानपुर से। लखनऊ से जो दबोचे गए हैं उनका नाम है शकील और मुस्तकीम, और दो पकड़े गए हैं कानपुर से जिनका नाम है आफाक और लईक। और इस आधार पर अब पूरी विवेचना हो रही है, समझा जा रहा है ये कहां कहां ऑपरेट कर रहे थे। अभी आपने सुना हमारे संवाददाता जब पूछ रहे थे एडीजी से, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी जानकारी में ये बात आती है सामने कि ये इंटर स्टेट भी ऑपरेट कर रहे थे, तो हम वहां की पुलिस से संपर्क करेंगे। शकील के बारे में आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं कुछ ही देर में कि शकील कौन है और कितना महत्वपूर्ण है इसका पकड़ा जाना। हमारे संवाददाता वहां गए थे, मनीष, उनके पास हम चलेंगे। मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से कुछ और ज्यादा जानकारी लेकर, और इसके अलावा उमेश हमारे साथ लगातार जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं ही, लेकिन उनके पास मैं चलूं, उससे पहले दिखाता हूं आपको कौन है ये शकील। अलकायदा का क्रैश कोर्स, टेरर के नए चैप्टर, लखनऊ की जनता नगर कॉलोनी का रहने वाला है शकील। शकील जो है उसने एटीएस ने उसे लखनऊ के बुद्धा पार्क से गिरफ्तार किया है। शकील ने आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले बिचौलिए से मिलवाया था, कानपुर के हथियार सप्लायर से मुलाकात कराई थी, मिन्हाज और मुसीरुद्दीन की मुलाकात कराई गई थी, और बीते तीन दिनों से पुलिस को शकील की तलाश थी। शकील से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उस गैराज में आने जाने वाला जो ये तीसरा शख्स था वो शकील था, और हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, लेकिन उससे पहले काकोरी ऑपरेशन पर पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अलकायदा में शामिल होने के लिए 5 चैप्टर का कोर्स किया गया, 5 चैप्टर में पास होने पर ही अलकायदा में भर्ती मिलती है। मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने 5 चैप्टर्स का कोर्स पास किया, पूछताछ में दोनों आतंकियों ने 5 चैप्टर्स की जानकारी दी। सेलेक्ट होने पर ही युवाओं से पर्सनल चैट होती है, और चैट के बाद हैंडलर की जानकारी दी जाती है, फिर हैंडलर के गुर्गे नए आतंकियों को बुलाते हैं, और नए भर्ती हुए आतंकियों को टास्क दिया जाता है, युवाओं को आतंकी घटनाओं का जिम्मा दिया जाता है, और इस तरीके से यह क्रैश कोर्स पूरा होता है, 5 चैप्टर्स का क्रैश कोर्स। अब जरा समझिए इस क्रैश कोर्स के विद्यार्थी कौन थे, और इस क्रैश कोर्स को चलाने वाले इनके आका, इनके शिक्षक कौन थे, क्या उनको शिक्षक कहा भी जा सकता है। बहरहाल आतंकी पाठशाला, अलकायदा का क्रैश कोर्स, टेरर के नए चैप्टर, आतंकी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछताछ के आधार पर ये 4 धरे गए हैं, जो अब धरे गए हैं कानपुर से और लखनऊ में। अलकायदा में शामिल होने के लिए 5 चैप्टर्स का कोर्स होता था, 5 चैप्टर्स में पास होने पर ही अलकायदा में दाखिला मिलता था। मिन्हाज मसीरुद्दीन ने 5 चैप्टर्स का कोर्स पास किया था। पूछताछ में दोनों आतंकियों ने यह बात स्वीकारी है कि 5 चैप्टर्स की जानकारी हमको दी जाती है, जब उन 5 चैप्टर्स को हम पास करते हैं तब फिर हमको उनसे बात कराई जाती है जो अफगानिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर, और फिर उसके बाद वो लोग टास्क देते हैं अपने हैंडलर से मुलाकात कराने के बाद। हमारे संवाददाता उमेश और मनीष लगातार आपको इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। मैं सबसे पहले उमेश आपके पास आना चाहता हूं, मतलब ये कि अभी तक इसके इंटर स्टेट होने के प्रमाण नहीं मिले। देखिए, जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग हुई थी, कश्मीर के कुछ खास इलाकों में इनकी ट्रेनिंग हुई थी, और वहीं से एक छोटे ब्लास्ट के जरिए यूपी एटीएस को इनपुट मिला था। तो जम्मू कश्मीर के इन्वॉल्वमेंट की बात तो सामने आ रही है कि वहां पर इनकी आतंकी गतिविधियां थी, और वहीं पर ही ये ऑनलाइन इनकी मुलाकात हुई थी हैंडलर से, और इसके बाद इनको तमाम वीडियोज़ भेजे गए थे जब ये स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, और बाद में जब इन्होंने 5 चैप्टर पास किए हैं जो कि ऑनलाइन था, उसके बाद ये बकायदे संगठन में शामिल हो गए थे, ये बात पूछताछ में सामने आई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंटर स्टेट का भी मामला ये हो सकता है, क्योंकि ये स्लीपर सेल, स्लीपर मॉड्यूल्स और भी जगह पर हो सकते हैं, और पिछले कई ऐसे खुलासे हुए भी हैं। इसको लेकर के एटीएस चीफ का कहना है कि अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो अदर स्टेट से भी कॉन्टेक्ट किया जाएगा, एटीएस वहाँ पर भी प्रभावी कार्रवाई करेगी। लेकिन दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से रविवार को 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 4 लोग आज हिरासत में लिए जाते हैं, और लगातार जब पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के पूछताछ कर रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं, और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच का दायरा अब सिर्फ लखनऊ, कानपुर, संभल तक ही सीमित नहीं है, पूर्वांचल में भी इसको लेकर के छापेमारी की जा रही है, एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो दायरा जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही मामला जिस तरह से बढ़ता जाएगा। लखनऊ से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, कानपुर अभी मनीष विजिट करके आए हैं, संभल से भी हम तक जानकारियां पहुंच रही हैं, कहां से और क्या मिल सकता है? जाहिर है इस बारे में हम ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर हम जानना चाहते हैं, शकील का नायब होना, मनीष आप उनसे उसके घर गए हैं, ये कितनी कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए?
देखिए शकील इन दोनों के बीच की कड़ी था, असला मुहैया कराने में शकील की भूमिका थी। एक देसी पिस्टल इसने मुहैया कराई थी कानपुर से मिनहाज और मंसूर को, दूसरा 3 चाकू भी मुहैया कराए थे जिसका भुगतान मंसूर और मिनहाज ने उस असले व्यापारी को किया था जो कि हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है और एटीएस की पकड़ में है। कल एटीएस की पकड़ में उस असला व्यापारी जो कि हिस्ट्री शीटर है उससे और मिनहाज और मंसूर का आमना सामना कराया गया था। आज उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस उसके लिंक का सत्यापन कर रही है कि वो क्या उसे मंसूर और मिनहाज के एजेंडे के बारे में पता था। अगर पता था तो उसे संदिग्ध आतंकी मानते हुए गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो आर्म्स एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। शकील की बहन कानपुर में रहती है, ऐसे में शकील का अक्सर आना जाना कानपुर हुआ करता था और बैटरी के चलते ही बैटरी का कारोबार मिनहाज करता था और बैटरी के चलते ही शकील की दोस्ती मिनहाज से हुई थी और शकील भी ई रिक्शा चलाता है तो ई रिक्शा का बहुत बड़ी भूमिका इसमें है क्योंकि ई रिक्शा के जरिए ही ये कुकर बम कई जगह पर प्लांट किए जाने थे और संभवतः मिनहाज और मंसूर ने मंगलवार का दिन मुकर्रर किया था। जो आतंकी तौकीर और मूसा बुधवार को आज मतलब पहुंचने वाले थे, शुक्रवार को उनकी मिनहाज और मंसूर के साथ बैठक थी और उसमें मिनहाज और मंसूर ने ये रूपरेखा तैयार कराई थी। चूँकि मंगलवार को मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ रहती है, बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है तो वो दिन उपयुक्त है, तो मंगलवार की शाम को दिन तय किया जाना था उसमें शकील को मंगलवार की शाम को दिन तय किया जाना था। और बैटरी रिक्शा जिसका हवाला देकर ये कहा जा रहा था कि ये तो बेचारे बेगुनाह हैं, ये तो बैटरी रिक्शा चलाकर अपने जीवन का यापन करते हैं, अपना जीवन का गुजारा करते हैं, वो कितने मासूम थे ये मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। मैं आपके पास आऊंगा उमेश और मनीष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।